हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करते रफ्तार से, तो रफ्तार का रियल हिट के साथ पॉडकास्ट तो आप लोग को याद ही होगा। तो उसी वीडियो का एक बंदे ने एआई वीडियो जनरेट करा है रफ्तार का, जिसमें रफ्तार जो है वो जुए को प्रमोट करते हुए दिख रहा है। अपना तो लाइफ सेट है भाई, आजकल जुआ खेलो पैसा कमाओ कुछ नहीं रखा है ये सिंगिंग में। रोहित खट्टर की प्रेडिक्शंस क्या जबरदस्त होती है भाई, जिसको मैच जितवा देता है वही टीम जीतती है। मैं तो रोहित खट्टर के प्रेडिक्शन पर आंख बंद करके पैसा लगाता हूं और पैसा कमा रहा हूं। इंडिया का नंबर वन क्रिकेट एनालिस्ट है भाई। आप रोहित खट्टर के प्रेडिक्शंस देख लो, टेलीग्राम पे हिल जाओगे। आईपीएल में 65 में 65 मैच पास है। अभी वर्ल्ड कप चालू होने से पहले बोला था इंडिया ही जीतेगी और वही हुआ। तो बात कर लेते हैं एमईवे के बारे में। तो एमईवे जो है वो एक रील शेयर करता है अपने स्टार्टिंग डेज के एक ट्रैक की। हाँ, शुरुआत के दिन के गाने अभी भी हार्ड लगते। इसके अलावा बेला का कन्फेशन ट्रैक का म्यूजिक वीडियो आउट हो चुका है। तो अब बात कर लेते हैं बादशाह के बारे में। तो बादशाह का अभी बीबीसी एशियन नेटवर्क से इंटरव्यू देखने को मिला है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बात कर लेते हैं कृष्णा के बारे में। तो विंबलडन के इंस्टाग्राम पेज से एक रील देखने को मिली थी, जिसमें कृष्णा के नो कैप ट्रैक को यूज करा गया था। तो बात कर लेते हैं यंग गालिब के बारे में। तो यंग गालिब का भी एक सरप्राइज ट्रैक ड्रॉप हुआ है, जिसका नाम है बर्थडे बार्स 3। तो कल उनका बर्थडे भी था, तो वहाँ पर वो कुछ लाइंस यूज करते हैं, जिसमें वो रिसेंट जो कंट्रोवर्सीज हुई है उनका जिक्र करते हैं। देखा रैपर लोग लड़ रहे आपस में, कभी नेजी कभी डीजी। तो क्या कहना है इसके बारे में आप लोगों का, क्या ये डिस करा है या फिर शाउट आउट है या फिर कुछ और। तो बात कर लेते हैं नेजी और बिग बॉस के बारे में। तो कल के एपिसोड में नेजी जो है वो सना सुल्तान के साथ बैठे हुए थे, और वहाँ पे वो बात करते हैं अपने स्कूल डेज के बारे में, कि उनको रिग्रेट होता है कि स्कूल में जो उनको पसंद थे उनके साथ वो कुछ कर नहीं पाए, मतलब डेटिंग वगैरह। वैसे वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे क्योंकि वो उस टाइम पे भी रैप करते थे, और वो कहता है कि जिस टाइम पे मेरे क्लास वालों को इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती थी, उस टाइम पे मैं इंग्लिश में रैप करता था। तो इस तरीके से मैं काफ़ी पॉपुलर था, पर स्टिल मैं किसी को डेट नहीं कर पाया। इसके बाद से वो सना मकबूल के साथ दिखता है, और वहाँ पे वो बताता है कि अब उनका डायरेक्ट शादी का प्लान है। जिस शख्स को वो पसंद करते थे वो ऑलरेडी कमिटेड था। साथ ही वो अपना यूके का एक किस्सा बताता है कि यूके में उनको कोई पसंद आया था, लेकिन वो उसको कह ही नहीं पाए कि वो उसको पसंद करता है। फिर वो बताता है कि उनकी काफ़ी सारी फीमेल फ्रेंड्स हैं जिनके साथ उनकी वाइब्स भी मैच होती है, और वो चिल भी करता है, पर स्टिल उन्होंने कभी किसी को डेट नहीं करा। इसके बाद से शाम को वो एक बार फिर से सना मकबूल के साथ कुछ डिस्कस करते हुए दिखता है, और वहाँ पे वो बात कर रहे थे हिप हॉप के बारे में, गली बॉय मूवी के बारे में। तो वो कहता है कि मुंबई और हिप हॉप को अगर जोड़ दिया जाए तो एक नया जॉनरा बनेगा। पहले अटेम्प्ट से वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, एक तरीके से वो डिसअपॉइंट है। जहाँ पे सना मकबूल कहती है कि आप क्या गली बॉय मूवी के बारे में बात कर रहे हो, तो नेजी कहता है हाँ। तो इस पे सना मकबूल कहते हैं कि उनको वो मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी और काफ़ी अच्छी मूवी है वो। फिर नेजी कहता है कि मैं एक क्रिटिक की तरह मूवी देखता हूँ, मैंने काफ़ी मूवीज़ देखी है, तो मेरे को इतना कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला उस मूवी से, मैं इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाया। शायद तुमको वो कनेक्ट फील हुआ हो पर मुझे नहीं हुआ। फिर वो कहता है कि वो एक और बार ऐसा कुछ प्रोजेक्ट ट्राई करना चाहता है। फिर वो गली बॉय के मेकर्स के बारे में कहता है कि जो उनको समझ आया वो उन्होंने दिखाया, जो मे को समझ आएगा वो मैं दिखाऊंगा। खैर, ओवरऑल अगर नेजी के बारे में बात करा जाए कि क्या परफॉर्मेंस चल रहा है उनका बिग बॉस में, तो वो काफ़ी सेफ खेलते हुए दिख रहे हैं, उनकी सबके साथ ही अच्छी बन रही है, एक दो तीन लोगों को छोड़ के, जैसे कि लव कटारिया, विशाल और शिवानी। और शिवानी को सबसे ज़्यादा हेट करते घर में, और सबसे फेवरेट्स हैं उनके सना मकबूल और सना सुल्तान, जिनके साथ वो अक्सर कुछ ना कुछ डिस्कस करते हुए दिखते हैं। इसके अलावा उनका जो पास्ट रहा है उसके बारे में भी वो काफ़ी डिस्कस करते रहते हैं, कि वो काफ़ी बुरे टाइम से निकल के आए हुए हैं। खैर, आप लोग फॉलो कर रहे हो कि नहीं बिग बॉस, बताना ज़रा कॉमेंट्स में। खैर, इसी के साथ मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।